वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किमचो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने किमचो क्यों बोला। किमचो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज मैं गुजरात की डिश लेकर आई हूँ, खमन ढोकला, जो कि बहुत ही फेमस है। मैं एक सीरीज चलाने जा रही हूँ 29 स्टेट की 29 डिशेस, तो इसका आज फर्स्ट एपिसोड मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए खमन ढोकला की रेसिपी जानते हैं। ये कटोरी बेसन ले लिया है मैंने, 1.5 चम्मच सूजी ले लिया है मैंने, ये मैंने 3 चम्मच चीनी ले ली है, ऑयल ले लिया है थोड़ा, ये मैंने साइट्रिक एसिड ले लिया 1/2 चम्मच, ये मैंने हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच ले लिया है, ये मैं नमक स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 1.5 चम्मच इनो ले लिया है, 3 मिर्ची पेस्ट ले लिया और पानी ले लिया है मैंने। मैंने स्ट्रेनर ले लिया, बेसन को मैं छान लूँगी अच्छे से। इसमें बेसन को ढोकले के लिए फाइन बेसन होना चाहिए, महीन छना हुआ बेसन से ढोकला बहुत अच्छा बनता है, इसमें लम्स भी ना पड़े और अच्छे से छन जाएगा। बेसन छन गया है मेरा, मोटा वाला मैं हटा दूंगी, फाइन वाला नीचे रखूंगी। अब मैं और चीज़ें इसमें ऐड करूंगी। ये मैं सूजी डाल रही हूँ, इसके बाद चीनी डालूंगी हल्की मिठास के लिए इसमें, ये हल्दी डालूंगी कलर के लिए, एंटीबायोटिक होती है, कलर बहुत अच्छा इसमें आता है। साइट्रिक एसिड डाल रही हूँ खट्टे करने के लिए थोड़ा, और ये चिली पेस्ट डाल रही हूँ ग्रीन चिली का थोड़ा तीखा करने के लिए, ये ऑयल थोड़ा चिकना करने के लिए इसको मैं डाल रही हूँ। अब मैं नमक डालकर मिक्स करती हूँ इसको, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, और इस तरह से मिक्स, पहले ड्राई मिक्स कर लीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा इसमें। पानी में थोड़ा थोड़ा डालूंगी, जैसा मिक्सचर बनाना है, एकदम से डालूंगी तो लूज़ भी हो सकता है, ये ना थिक हो ना लूज़ हो, मीडियम रखना है इसे। थोड़ा पानी और ऐड करूँगी मैं इसमें, फिर मैं अच्छे से चला लूँगी इसे। ये देखिए मेरा हो गया, इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। मेरे 5 मिनट हो गए हैं, देखिए अब इनो ऐड करूँगी मैं इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्लफ़ी होने लगा है, फ्लफ़ी बहुत जल्दी होता है, मैं टिन में ग्रीसिंग कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें पलट दूँगी। ये कुकर मैंने प्री हीट कर लिया, 1.5 गिलास पानी डाला और जाली ये रख दी है। अब इसके ऊपर मैं टिन रख दूंगी ढोकले का, आराम से रखिएगा, जलिएगा मत आप। अब मैं इसके बाद इसमें ढक्कन लगा दूंगी। ये मेरा ढोकला पक गया, देखिए टूथपिक में चिपक भी नहीं रहा है, इसका मतलब प्रॉपर कुकिंग हो गई है इसकी। अब मैं इसको चाकू से लूज़ कर लूँगी चारों तरफ से। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ, मैं इसे स्क्वायर शेप दूँगी, आप जो भी चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी इच्छा से। देखिए कितना फ्लफी बना है, कितना अच्छा बना है ढोकला। चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। ये ऑयल ले लिया है मैंने, ये राई ले ली है 1 चम्मच, ये 1 पिंच हींग ले ली है, ये मैंने हरी मिर्च कट कर ली है, ये मैंने हरे धनिया कट कर लिया है, ये नारियल ले लिया गार्निश के लिए। ये मैंने प्री हीट कर लिया है पैन को, अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है। अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, 1 पिंच मैंने ली थी, हींग से क्या टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं राई दाना डालूँगी इसमें, ये तड़केगा, थोड़ा संभले रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा छिटकेगा ये। अब हरी मिर्च मैं डालूंगी इसमें, वो थोड़ा स्पून से चलाते रहिएगा, जले नहीं जिसमें, हल्का सा। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच पानी डालूंगी, पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ढोकला स्मूथ रहे अंदर तक, पानी जाएगा थोड़ा सा सूखा, नहीं तो गले में सूखा लगता है, वो नहीं होगा, थोड़ा लिक्विड रहेगा। अब इसको मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा ठंडा होने दूंगी, तब मैं ढोकले को ऊपर डालूंगी इसे। अब मैं इसे ढोकलों के ऊपर फैला दूंगी अच्छे से, जिससे थोड़ा मैंने अलग अलग ढोकले कर दिए हैं, जिसमें अंदर तक चला जाइए, पानी भी इसका चला जाए और अच्छे से फैल जाएगी। अब मैं गार्निश करूंगी इसमें, हरी धनिया डालूंगी पहले मैं ऊपर से, और उसके बाद मैं नारियल डालूंगी जो घर में घिसा हुआ है मेरा, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो डालिएगा, अदरवाइज मत डालिएगा। ये ढोकला गार्निश हो गया मेरा, रेडी हो गया है, अब इसकी चटनी रेडी करती हूँ। चलिए यह हरा धनिया धुलकर कट कर लिया, वो ऐड कर रही हूँ जार में मैं, ये 4 चिली मैंने कट कर ली थी वो ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, ये दही मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, ये ढोकला थोड़ा सा मैं 2 पीस ले रही हूँ, थोड़ा सा थिक करने के लिए।
नमक स्वाद के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा पानी डालूंगी कि आसानी से पिस जाए जिसमें। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर पीसूंगी। ये चटनी मेरी रेडी हो गई है, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आइए सर्व करते हैं इसे। ये देखिए मेरा खमन ढोकला रेडी हो गया है। ये गुजरात की बहुत फेमस डिश है, सभी को बहुत पसंद आती है। इसमें ऑयल भी नाम मात्र का लगता है। अगर इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगली रेसिपी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।